ऑलराइट भाई, तो बहुत बड़ा गेम यहाँ पे नेपाल वर्सेस इंडिया। यस भाई, वेट इसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज तुम्हें पता है कि नेपाल कितने ब्लिस्टरिंग फॉर्म में है, गोल पे गोल मारे जा रही है। लास्ट गेम में हमने देखा था श्रीलंका को उन्होंने कैसे धोया था, एंड भाई उसके बाद वाला गेम श्रीलंका ने जो इंडिया के साथ खेला है, तुमको पता है कि इंडिया ने कैसा खेला। तुमने अगर मेरा श्रीलंका और इंडिया के मैच का रिव्यू नहीं देखा है तो गलती कर रहे हो तुम लोग। मैं लिंक कर दूंगा, जाके पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ही तुम्हें ये वाला प्रिव्यू समझ में आएगा नेपाल के अगेंस्ट जो भी हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो देखना, फिर वाला वीडियो देखना। ओके, तो भाई पता है क्या, ये गेम इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे जीतना मस्ट है। हमें दोनों गेम बचे अपने, इंडिया वर्सेज नेपाल जीतना है हमें, और इंडिया वर्सेज मालदीव्स हमें जीतना है अगर हमें फाइनल में पहुंचना है तो। कोच ने बोला कि श्रीलंका वाला जो गेम था उसमें हमने डोमिनेट किया, उसमें हमने पोजिशन रखा, उसमें हमने अटैक किया, बट हम गोल नहीं मार पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है गोल मारना, तो उसके अकॉर्डिंग हम पोजिशन रखते हैं तो हम डोमिनेट करते हैं। मुझे नहीं लगा कहीं भी कि हमने गेम डोमिनेट नहीं किया था। श्रीलंका वाला बहुत ही बेकार गेम था, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग गेम था, एंड जो हमने चांसेस भी एक की दुक्की बनाए ना, उसको हमने बहुत ही नूब लेवल पे गलतियां की हैं भाई। तो एकदम फ्रस्ट्रेटिंग एम्बैरसिंग गेम खेला है। बाकी नेपाल को अगर तुम देखोगे भाई, दे हैव प्लेड गुड गेम्स, उन्होंने तगड़े क्लिनिकल फुटबॉल खेला है। ऑल्दो वो डिफेंस में नहीं स्ट्रक्चरली सेट है, डिफेंस में वो गोल खाते आए हैं, इवन विथ रोहित चांद एंड तमांग इन डिफेंस दे हैव बीन लीकिंग गोल्स। गोलकीपर उनका चेमजोंग बहुत ही तगड़ा गोलकीपर है, लिंबू, यस। बट सीन ये है, अगर आप गोल खाते हो बट अगर आप अपने अपोनेंट से ज्यादा गोल मारते हो, आप फुटबॉल जीत जाते हो यार, यू हैव टू बी क्लिनिकल। नेपाल क्या करती है, सबसे सिंपल, नेपाल अपना बेस्ट इस्तेमाल करती है। उनके पास बेस्ट क्या है, उनकी पेस, उनका फिजिकल एट्रीब्यूट बेस्ट है। प्लेयर्स लोग की हाइट ज़्यादा नहीं है, लंबे चौड़े नहीं है, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, तो वो ड्रिबलिंग अच्छी करते हैं। दे आर वेरी क्विक, वेरी फास्ट, वर्क रेट बहुत हाई है उनका। स्टार्टिंग के दो गेम्स हमने उनको देखा, मालदीव्स को उन्होंने हराया भाई। मालदीव्स आर द टीम टू बीट दिस सीजन, बट उन्होंने मालदीव्स को हराया, उसके बाद से उन्होंने श्रीलंका को हराया। श्रीलंका ऐसे नहीं कि बैकफुट पे खेल रही थी, श्रीलंका भी अटैक कर रही थी। उस गेम में भी दोनों ने दो गोल मारे थे, बट यहाँ पे उन्होंने तीन गोल मारे थे भाई। आयुष ने एंड मोमेंट पे आके उन्होंने दो गोल मारा, एक गोल उसने असिस्ट किया क्रिएट किया, एंड दूसरा गोल उसने खुद मारा। आयुष घालन 17 साल का प्लेयर है, एंड यहां पे मैं एक एक करके हर प्लेयर का नाम नहीं लूंगा वो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है। आज की वीडियो में मैं टैक्टिक्स, लाइनअप एंड मैच में क्या होगा एक्सपेक्टेशन उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मूव करते हैं लाइनअप में, बट उससे पहले लेट मी टेल यू, यहां पे कुछ लोग हैं जो कि फुटबॉल फैंटेसी खेलते होंगे। सो गाइस, लेट मी टेल यू, कुछ लोग यहां पे जानते होंगे जय गांधी को, इनके साथ मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ही टॉक्स अबाउट फुटबॉल फैंटेसी। वो एक्सपर्ट है, 4.5 साल से वो फुटबॉल फैंटेसी खेल रहे हैं, एंड ही हैज बीन विनिंग सम अमाउंट्स। तो यार मैं चाहता हूं कि आप लोग जो फुटबॉल फैंटेसी खेलते हैं या जो इंटरेस्टेड हैं, उनका चैनल चेक कर लें, एक्सपर्ट कॉर्नर नाम से उनका चैनल है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर से उनका चैनल चेक करना। वो अपने चैनल पे हर बड़े मैच डे के एक्सपेक्टेड लाइनअप बताते हैं, जिसको यूज करके आप फैंटेसी एप्स में आप जीत सकते हो। ठीक है, तो आप जरूर उनका चैनल ज्वाइन करिए, एंड एंड में मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊंगा उससे रिलेटेड, तो एंड में भी उस बात को सुनना। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं लाइनअप के ऊपर। तो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है उनके पिछले कुछ मैचेस के लाइनअप। उन्होंने अपने पिछले दो मैचेस में ऑलमोस्ट सेम लाइनअप इस्तेमाल किया था, एक 4-5-1 का लाइनअप में वो जाते हैं, जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा मिडफील्ड में प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जिसमें कि उनके मिडफील्डर्स हार्डवर्किंग होते हैं, अप टॉप जाते हैं। तो अब तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है मेरा लाइनअप जो मुझे लगता है कि जिसमें वो जाएंगे। ऑलमोस्ट सेम लाइनअप है, यहाँ पे मैंने वही यूज़ किया है। ऊपर कोटी, मिड में यहाँ पे गौतम श्रेष्ठ, अनंत तमांग, रोहित चांद एंड सुमन आर्यल, बाकी यहाँ पे तेज तमांग, मिड में विशाल राय, ऊपर सुमन लामा, अंजन बिष्टा एंड ऊपर श्रेष्ठा आपने। ठीक है, तो भाई तुम देख सकते हो कोई भी चेंज नहीं किया है, इनको बहुत आराम से रेस्ट करने का टाइम मिला है। दे वुड बी रेस्टेड, दे वुड बी वेल वर्क, तो सब कुछ सही है। मुझे लगता है यही लाइनअप वो यूज करेंगे। मनीष डांगरी को पिछले मैच में चोट लगी थी, उन्होंने पहला मैच खेला था उसमें उन्होंने गोल मारा था, बट नेक्स्ट गेम में वो आए थे, सब्स्टिट्यूट होते थे, सेकंड हाफ में उनको दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर लिया गया था, तो आई डोंट थिंक वो फिट होंगे खेलने के लिए, बट ही इज ऑल्सो अ मैन टू लुक आउट फॉर। उसके बाद से आयुष घालन, मुझे लगता नहीं वो स्टार्ट करेगा, बट उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में दिया था पिछले मैच में, तो आई एक्सपेक्ट हिम टू कम इन लेटर पार्ट ऑफ द गेम। तो बेसिक लाइनअप यही होने वाला है मुझे लगता है उनके लिए। उसके बाद से मैं इंडिया का लाइनअप तो मैं दिखाना चाहता हूं। ये है मेरा इंडिया का लाइनअप जो कि मुझे लगता है कि इस लाइनअप में उनको जाना चाहिए इस पर्टिकुलर गेम में। वो क्यों मैं बताऊंगा, पिछले वीडियो पे बेस करके, तुमको पिछला वीडियो इसलिए देखना था। देखो, सेरिटन, साना, बोस एंड मंदार और देसाई। ठीक है, देसाई का गेम मुझे सही लगा, ही हैज बीन गोइंग अप, डिफेंस में भी ही वाज ऑलराइट। ठीक है, यहां पे वी वुड नीड दैट फिजिकल प्रेजेंस, तो देसाई इज गुड इन क्रॉसिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं आगे बताने वाला हूं कि मैच हमें कैसे खेलना है, बट यहां पे भी मैं लाइनअप समझाता हूं क्यों। ग्लेन, ब्रांडन,
ऊपर से थापा, लोग कहेंगे सुरेश भी, बट मेरे हिसाब से थापा को हम खिला सकते हैं और इंट्रिकेट डेलिकेट पासेस करता है। फिर उदांता, लोग कहेंगे भाई इसको रेस्ट दे देते, उदांता को बैक टू बैक गेम्स में क्यों खिला रहे हो, बट मुझे लगता है कि उदांता हैज बीन प्लेइंग ब्राइट, गेटिंग इन बिहाइंड द डिफेंडर्स ऑफ द ओपोनेंट्स। तो यहाँ पे तुम ठीक है यासिर को भी खिला सकते हो, फारूक को भी खिला सकते हो, बिग डिफरेंस नहीं होगा, बट उदांता खेल रहा है, ही हैज बीन शार्प, तो मुझे लगता है इसको खिला सकते हैं, नहीं तो मेजर चेंज नहीं आएगा अगर हम फारूक या यासिर में से भी किसी को खिलाएं। ठीक है, रहीम अली भी ऑप्शन है, बट मुझे लगता नहीं रहीम अली स्टार्ट करेगा। मैं लिस्टन कोलासो को यूज करना चाहूंगा, बिकॉज पिछले गेम में लिस्टन वॉज वेरी फायरी, फाइस्टी कह सकते हो, बहुत ज्यादा वो क्विक। अभी हमें गेम में भाई पेस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला, इंडिया की मेन स्ट्रेंथ है उनकी पेस, उनकी अटैकिंग ऑन काउंटर्स, जो कि हम पिछले गेम में करना चाह रहे थे। हम पोजिशन वाले स्टाइल से थोड़ा सा हटके हम काउंटर अटैकिंग स्टाइल खेल रहे थे एंड हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग गेम था, बिकॉज हम ट्राई कर रहे थे पासिंग करना, बट कुछ एक दो मूव्स हम ऐसे बना रहे थे जहां पे हम तीन चार पासेस में अपोनेंट के फ्लैंक पे लेफ्ट हैंड साइड पहुंच रहे थे, एंड लिस्टन एंड मंदारो के देसाई की मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर लगी, तो इसलिए मैं खिला रहा हूं। एंड देन ऊपर सुनील छेत्री, मैं नहीं चाहता कि ये पिच से चले जाए, मैं चाहता हूँ ही वुड बी देयर बिकॉज ही इज़ अ रेफरल पॉइंट। ठीक है, बाकी उसके बाद मैच में क्या होगा तुम देख सकते हो कि नॉर्मल अरेंजमेंट यही होगा। आई जस्ट वॉन्ट सी पोजिशन सफिशियंट नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम उनकी टीम को पेग बैक करके रखे एंड हम पासिंग करते रहे। नहीं, हमने जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो गेम स्टाइल दिखाया था कि हम बॉल रख रहे थे, वो सीन इसलिए था कि हम बहुत ज़्यादा पोजिशन इसलिए रखे क्योंकि श्रीलंका इतना प्रेस नहीं कर रही थी, वो हमसे बॉल इतना ले नहीं रही थी, हम जो बॉल गिव अवे कर रहे थे उसी की वजह से पोजिशन उनके पास जा रहा था, या तो जब वो गोल किक ले रहे थे तब उनके पास पोजिशन हो रहा था। बट यहाँ पे नेपाल ऐसा नहीं करेगी, नेपाल वुड वॉन्ट टू प्ले द गेम, बट नेपाल का सीन क्या है, वो पोजिशन के कीड़े नहीं है, उनको पोजिशन मिले ना मिले कोई बात नहीं, पिछले मैचेस में उन्होंने ज्यादा पोजिशन नहीं रखा है, स्टिल दे हैव कम आउट एज विनर्स। वो अटैक ज़्यादा करते हैं, वो क्लिनिकल ज़्यादा हैं, वो एक दो लॉन्ग बॉल्स खेलेंगे, दे विल ट्राई टू गेट इन बिहाइंड एंड भाई साहब वहाँ से अटैक करेंगे। सीन क्या हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं नेपाल के साइड से भी बताने वाला हूँ, सेरिटन ऊपर चढ़ा हो मान लो, मंदार और देसाई ऊपर चढ़ा हो, हम लोग काफ़ी अच्छे फेज में ऊपर अटैक करने लगे हो, जो कि हम करते हैं, हम चढ़ जाती है पूरी टीम, हम पासिंग करते हैं, एंड एक क्या होता है एक गलत बॉल हम फेंकते हैं, साना और बोस ऊपर चढ़ चुके होते हैं, ठीक है सेरिटन भी ऊपर रहता है, हम एक गलत पास करते हैं एंड भाई आप मिडफील्ड में बॉल लूज कर देते हैं, अटैक में गलत पास करते हैं एंड दे काउंटर। भाई तो ये गलत है भाई, क्योंकि आपके पास अंजन बिश्ता, ऊपर से सुमन लामा, इनकी पेस बहुत है भाई, विशाल राय एक्सप्लॉइट करता है सेंटर से, श्रेष्ठ नवयुग श्रेष्ठ भाई एक बहुत ही प्रॉपर नंबर 9 है, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस एज वेल, तो उसको पता है किस हिसाब से सेंटर ऑफ द पार्क में अपने आपको सेट करना है, ये इन दोनों डिफेंडर्स को एंगेज करेगा एंड यहां से मुझे लगता है अंजन बिश्ता एंड सुमन लामा एक्सप्लॉइट करेंगे, दे आर वेरी गुड कमिंग इनसाइड। भाई तेज तमांग इज ऑल्सो ग्रेट ड्रिब्लर। एक बात पता है क्या है आपको, इस नेपाल की टीम में जितने प्लेयर्स हैं ना, दे आर गुड ऑन द बॉल, वो पोजिशन लूज ज्यादा नहीं करते, वो बहुत क्विक है, इंडिया के प्लेयर्स से ऐसा लगता है कि उनकी फिटनेस डबल है, वो बहुत ज्यादा क्विक मोबाइल है एंड सबके पास ड्रिबलिंग एबिलिटी है भाई। तो नेपाल को तुम्हें पता है, नेपाली प्लेयर्स होते हैं उनके पास ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी लो होती है, ठीक है, तो दे आर वेरी गुड ऑन द बॉल। तो यार हमें हो सकता है हमें टैकल करने में मुश्किल हो, बॉल विन करने में मुश्किल हो उनसे, बट वील हैव टू डू दैट। हमें क्या करना होगा, देखो नेपाल का गेम क्लियर है, दे विल ट्राई टू बी डिफेंसिव, आराम से सिट बैक करेंगे, प्रेस करेंगे, डेफिनेटली एग्रेशन दिखाएंगे, पूरी पूरी एनर्जी झोंकेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस गेम को किल करना चाहेंगे, बिकॉज अगर वो इस गेम को किल कर देंगे तो अगला गेम जो वो खेलेंगे उसमें वो एक 0-0 ड्रॉ भी ले लेना तो भी सही है, दे वुड बी इन द फाइनल। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि एक नर्वस सा हमें नेपाल साइड मिलेगा, नहीं भाई, दे वॉन्ट रिवेंज एज वेल, दे वॉन्ट टू प्रूव कि नहीं भाई इस एरिया की जो ये साउथ एशिया वाली जो टीम है इधर के एरिया की, उनमें से हम हैं जो पावर हाउस हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नेपाल वुड बी गोइंग हार्ड एट अस, तो वही हमारा क्यों है, तुमको पता है क्या, हम अच्छा खेलते हैं उन टीमों के अगेंस्ट जो अटैक करती हैं, तो हम चाहेंगे कि नेपाल अटैक करें, क्योंकि जब वो अटैक करेंगे तब वो ऊपर चढ़ेंगे एंड मैं चाहता हूं कि वो अटैक करें बिल्कुल, एंड हमें उनको फॉल्स अटैक डेफिनेटली करवाना चाहिए, बिकॉज कभी कभार भाई ये एक रिवर्स साइकोलॉजी है, हमें प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम फॉल बैक कर रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स को पीछे ले जाते हैं, ठीक है, एंड आपके ओपोनेंट्स आपको अटैक करता है, उनको लगता है कि कंट्रोल हमारे पास से हट रहा है, उनको हम अटैक करने दें, बट वी हैव टू बी सॉलिड रिजोल्यूट, वो चढ़ेंगे ऊपर, वो स्पेसेस बना देंगे एंड हमें क्या करना है, बस उनसे बॉल छीननी है एंड काउंटर अटैक करना है। तुमको पता है क्या, मैं क्यों कह रहा हूं काउंटर अटैक करना, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया काउंटर अटैकिंग सिचुएशन में और बेटर खेल सकती है, हम डेफिनेटली अपनी पेस को इस्तेमाल करेंगे, लिस्टन कोलासो उदांता के पास पेस है, ब्रांडन के पास एबिलिटी है, सहल के पास भी एबिलिटी है टू फाइंड दैट थ्रेडेड थ्रू बॉल, वो अप टॉप से एक्सप्लॉइट कर सकते
सकता है एंड हमें उनकी पेस इस्तेमाल करनी होगी, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये डिफेंड नहीं कर सकते। आरएल श्रेष्ठ, गौतम सिंह भाई, इनके पास भी पेस है, काफ़ी यंग, काफ़ी फास्ट फुल बैक्स हैं एंड भाई इनके डिफेंडर्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए भाई। रोहित चांद फार डिफेंडर है भाई, बहुत ही प्यारे डिफेंडर है ये, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सुनील छेत्री को काफ़ी हार्ड टाइम होगा। सिस्टम ये है कि हमें ओवरलोड करना है अटैक को। बात ये होती है अगर हम एक दो तीन पासेस करके फ्लैंक्स पे बॉल पहुंचा रहे हैं तो हमारे क्रॉसेस, कटबैक्स, पिन पॉइंट हो, उसके लिए हमें मेन डालने होंगे इनके बॉक्स में। अगर लेफ्ट हैंड साइड से देसाई ऊपर चढ़ रहा है तो वी नीड लिस्टन, वी नीड छेत्री, वी नीड उदांता एंड प्रोबेबली अ रनर फ्रॉम मिडफील्ड की वो क्यों इनके बॉक्स में प्रेजेंस प्रोवाइड करें सो दैट देसाई के पास ऑप्शन हो या जो भी लेफ्ट बैक खेल रहा है उसके पास ऑप्शन हो कि वो कटबैक करे, बिकॉज रोहित चांद एंड अनंत तमांग आर गुड इन एयर इज वेल। तो यार एयर में हमारे पास नहीं है ताकत, बट हमारे पास फिनिशिंग एबिलिटी है, हम कटबैक्स, क्विक क्रॉसेस, अर्ली क्रॉसेस करेंगे तो हम फिर भी उनको भेज सकते हैं। तो भाई बहुत ही डिफिकल्ट गेम होने वाला है यार, मैं इसके लिए क्या प्रिडिक्शन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। इट वुड बी अ वेरी नर्वस गेम फॉर ऑल ऑफ द इंडियंस, बिकॉज अगर ये हम अगर हार जाएंगे यार तो वी वुड बी आउट, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हमारे पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं। नेपाल आर प्लेइंग वेरी गुड, ठीक है। तो भाई पहले तो यार गुड लक टू एवरीवन, गुड लक टू नेपाल, ठीक है। आई होप कि एक अच्छा गेम हो। एंड हमारा कोच क्या बोला था, कोच ने बोला कि श्रीलंका बड़ा ही नेगेटिव गेम स्टाइल खेल रही थी, श्रीलंका को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो खेलने आए, बट नेपाल के अगेंस्ट ऐसा नहीं होगा बाबा, नेपाल खेलने उतरेगी, नेपाल चाहेगी वो हमें हराए, ठीक है। तो क्योंकि वो अटैक करेंगे, वो स्पेसेस इन बिहाइंड छोड़ेंगे, वही हमारा क्यू है, हमें उसे एक्सप्लॉइट करना है एंड अटैक करना है भाई, पीरियड, यही होगा। हम चाहे पोजीशन लेके रोटेट करते रहें भाई, हम पोजीशन रखते हैं, पता है क्या होता है, टैकल आता है, बॉल लूज हो आती है, तो वो जो 3 मिनट का हमने पोजीशन रखा ना उसका कोई यूज़ नहीं होता है। टैकल पड़ा फिर से हम पोजीशन रखते हैं, फिर से हम 3 मिनट तक बॉल घुमाते हैं, फिर से गेड़ियाँ मारते हैं, फिर टैकल पड़ता है, तो ये बेकार है। हमें क्या करना है, पिछले गेम में जैसे हम क्लिनिकल थे, बस अटैक नहीं हो पाया, वो कॉम्बिनेशन पैटर्न अच्छे से काम नहीं कर पाया, हमें उन पैटर्न पर वर्क करना है कि हर बॉल फाइनल आउटपुट दे, क्रॉस निकले, लेफ्ट राइट दोनों साइड से फ्लैंक एक्सप्लॉइट करना है। हमारे पास बेंच पे अच्छे सॉल्यूशंस है, सहल है लिस्ट, उसके बाद से हमारे पास रहीम अली है, हमारे पास बाकी फारूक है, और भी मिडफील्डर्स अपूया है, सुरेश है, वी कैन मेक यूज ऑफ देम एज वेल, एंड नेपाल के पास भी हैं गुड सब्स्टिट्यूट। तो भाई पूरा एंड टू एंड गेम होगा गाइज, लेट मी टेल यू यहाँ पे कि मैं लाइव नहीं जा पाऊंगा इस मैच के लिए, सो आई एम सॉरी, ये प्रिव्यू आएगा, रिव्यू भी नहीं ला पाऊंगा मैं, प्रोबेबली लेटर पार्ट में मैं रिव्यू ला पाऊँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहूँगा इस पॉइंट पर जब ये वीडियो आ रहा होगा। एंड एक और बात जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी अबाउट दैट प्रमोशन, ठीक है, अबाउट दैट फुटबॉल फैंटेसी, तो आप क्या कर सकते हो, विजन 11 ऐप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, अगर आप उसको इंस्टॉल करोगे और कोड ईसी फुटबॉल से ज्वाइन करोगे तो आपको 300 का कैश बोनस मिलेगा। आप उसको यूज़ करके आप जे के टेलीग्राम चैनल से उनके लाइनअप को इस्तेमाल करके आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, खेल सकते हो, एक कुछ नहीं सिंपल सा फुटबॉल फैंटेसी ऐप है, आपको पता है क्या होता है, आपको लाइनअप बनाना है एंड आपको कॉम्पिटिशन एंटर करना है। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो कार्ड्स में एंड में एक मैं वीडियो लगा दूंगा, उसको आप लोग देख लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो भाई प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन नेक्स्ट टाइम, जय हिंद एंड बाय, पीस आउट।